गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है फार्माकोफोर एंड कॉम्फॉर। ये दोनों टॉपिक बेसिकली यूज किए जाते हैं ड्रग डिजाइनिंग में। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जैसा कि इस लॉकडाउन में आप सभी ने देखा है कि ज्यादातर लोगों ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घर में खुद को क्वारंटाइन किया, लोगों ने गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको फॉलो किए, कुछ लोग बाहर भी गए और वो इस रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसा गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन में काफी ज्यादा छूट भी दी है, मार्केट ओपन करने की भी छूट दी है, इस छूट को भी कुछ लोगों द्वारा काफी गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। बिना मतलब बेवजह वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, गैदरिंग हो रही है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि एटलीस्ट आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं और आप चीजों को समझते भी हैं, ये बीमारी कैसी है, किस प्रकार से फैल रही है, क्या हो सकता है कि अगर ये किसी इंसान को हो जाए। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि भले गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा छूट दी हुई है कि आप बाहर जा सकते हैं, पर फिर भी आप बाहर तभी निकले जब आपको कोई जरूरी काम हो। बेवजह बाहर मत जाइए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, क्योंकि आप इस चीजों को पढ़ते हैं तो आप इस चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यह बीमारी जिस प्रकार से फैल रही है हमें पता भी नहीं चलेगा। वैक्सीन बनाने के लिए हर देश कोशिश कर रहा है, हमारा इंडिया भी कोशिश कर ही रहा है, आने वाले कुछ समय शायद हमारे पास इसके लिए वैक्सीन हो भी, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से आज भी बहुत अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को भी, और इसी प्रकार से हमें भी हमारा जो देश है ये सुरक्षित हो सकता है। तो इस कोविड 19 के प्रति जो हमारी ये जंग है इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के लिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस अपनी सेवाएं ले रही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से यह बीमारी फैलने के चांसेस भी हैं। बट आप ऐसा ना करें, आप उस भीड़ का हिस्सा ना बने। सो मेरा यह मैसेज था कि मैं आप लोग को यह मैसेज दे सकूं, क्योंकि अगर आप इंफेक्टेड होंगे तो आपसे आपका परिवार, आपका एरिया, आपका शहर, वो सब इंफेक्टेड होते जाएंगे। और जो भी सर्विसेज हम सबको मिल रही है वो हमारे गलतियों के कारण वो भी हमसे छीन ली जाएगी। सो इसमें थोड़ा सा आप एक्टिव रहें। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक फार्माकोफोर एंड कॉम्फा में। पहले हम शुरुआत करते हैं फार्माकोफोर के बारे में। फार्माकोफोर, जैसे कि इसमें भी दो शब्द मुझे नजर आते हैं, आपको भी नजर आता ही होगा, अगर नहीं आता तो मैं कोशिश करूंगा आपको ये दिखाने की कि इसमें जो पहला शब्द है वो है फार्माको और दूसरा शब्द है फोर। फार्माको का सीधा सा मतलब है कि यहां पर हम कोई फार्मा की बात कर रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, कोई ड्रग्स की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा चीजें उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को हम आपके सामने क्लियर कर सकें। तो यहां पर बेसिकली बात हो रही है कोई फार्मा रिलेटेड, कोई ड्रग्स की बात हो रही है, कोई इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। दूसरा जो यहां पर हिस्सा है फोर, ये बेसिकली किसी केमिकल ग्रुप की बात कर रहे हैं। फार्माकोफोर मींस ड्रग्स से रिलेटेड किसी ग्रुप की बात यहां पर हो रही है, जिसे मिलाने पर फार्माकोफोर ये शब्द बनता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। शायद वो उदाहरण बड़ा कॉमन है और आप सभी के साथ ऐसा हुआ भी होगा, इसीलिए मुझे ये एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान में आया। जैसे बचपन में हमने कभी देखा होगा कि जहां आप रहते हैं, अगर आपने किसी अपने पड़ोसियों को किसी प्रकार से मतलब कोई नुकसान पहुंचाए हैं या आप थोड़ा सा ज्यादा शरारती हैं, परेशान करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कॉलोनी में रहने वाले लोग आपको पकड़कर आपके पेरेंट्स तक लेकर जाते हैं, जहां पर आपने कुछ गड़बड़ी की है अपने कॉलोनी में, तो उस जगह से आपके जो नेबर है, जो आपके जो पड़ोसी हैं, तो कुछ लोग आपको पकड़ के
आपके पेरेंट्स के पास लेकर जाते हैं और सारी जानकारी देते हैं कि भाई इन्होंने वहां पर ऐसी गड़बड़ी की है, और उसका रिजल्ट जो होता है वो आप सबको बड़े अच्छे से पता है कि गलती अगर बहुत बड़ी है तो उसके लिए जो एक्शन हमारे पेरेंट्स जो हमारे खिलाफ लेते हैं वो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। तो जिस प्रकार से वो जो हमारे पड़ोसी थे जिन्होंने हमें एक जगह से हमारे साथ बाइंड हुए, हमें उन्होंने पकड़ा, हमसे अटैच हुए और हमें हमारे घर तक लेकर गए, तो जगह से एक जगह से हमारे घर तक ले जाने को और हमारे पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देने को उन्होंने सुनिश्चित किया, उन्होंने एश्योर किया कि वो एक जगह से हमें पकड़कर घर तक लेकर गए, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी। अब आगे का एक्शन क्या होगा वो उनके पेरेंट्स जाते हैं। तो ये जो टॉपिक हमारा, ये टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है, जो शब्द है फार्माकोफोर, एक्चुअल में ये हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स की, कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स जो लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं और लिगेंड को टारगेट साइट तक लेकर जाने को एश्योर करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लिगेंड है कभी कभी वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी, बल्कि हम कह लें यहां पर शब्द यूज कर लें कि लिगेंड में अपने टारगेट साइट के प्रति स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी होने के कारण, स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी में फिर से कह रहा हूं कि लिगेंड में अपने टारगेट साइट के प्रति स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी होने के कारण उस लिगेंड की बाइंडिंग टारगेट साइट पर नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, क्या हम लिगेंड को छोड़ दें, क्या हम उसको यूज नहीं करें? तो हम उसको यूज कर सकते हैं, मगर कैसे? कुछ मेथड होगी हमारे पास, बिल्कुल है। आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एडजुवेंट्स का, कि कुछ कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं कि वो एंटीजन बॉडी में इम्यूनोजेनेसिस को जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो उन एंटीजन के साथ हम एडजुवेंट्स को ऐड कर देते हैं, जिससे उस जो एंटीजन है उसका मॉलिकुलर वेट और साइज भी बढ़ जाती है, और एडजुवेंट के साथ जब वो एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उस एंटीजन के प्रति अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। तीन मैं थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी का यहां पर एक आपको समझाने के लिए इम्यूनोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट यूज किया था एडजुवेंट्स का, लेकिन यहां जो हमारा टॉपिक है फार्माकोफोर, ये एक्चुअल में ऐसे केमिकल कंपाउंड, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं और हमारे लिगेंड को टारगेट साइट तक लेकर जाने के लिए सुनिश्चित करते हैं। ये वही बात है कि अगर जैसे किसी पुलिस वाले ने किसी चोर को अगर चोरी करते हुए पकड़ लिया और अगर वो पुलिस वाला उस व्यक्ति उस चोर को बोले कि तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पूरी जो तुमने जो चोरी की है इसकी जानकारी देना, तुमको सजा मिलेगी, तो आप भी जानते हैं कि वो चोर कभी अपने से नहीं जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो उस चोर को वहीं से पकड़ के पुलिस स्टेशन तक लेकर जाते हैं और उसकी सारी घटना पुलिस स्टेशन को बताते हैं, और फिर जो भी वहां की जो अथॉरिटी है वो उनको उस व्यक्ति ने जो भी क्राइम किया है उसके साथ उसको सजा मिलती है, मतलब एक्शन लिया जाता है। तो फार्माकोफोर का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है कि फार्माकोफोर ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लिगेंड की बाइंडिंग टारगेट साइट से करवाने को सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। लिगेंड स्ट्रक्चरल डिसिमिलैरिटी होने के कारण अपने टारगेट साइट से बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लिगेंड की बाइंडिंग करवाने के लिए हमने उस लिगेंड से एक केमिकल ग्रुप को अटैच कर दिया, उस ग्रुप को अटैच करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, कि वो केमिकल ग्रुप लिगेंड से बाइंड किया, अब वो केमिकल ग्रुप लिगेंड को उसकी टारगेट साइट तक लेकर जाएगा। टारगेट साइट पर लेकर जाने के बाद वो फार्माकोफोर उसकी बाइंडिंग, उसका जो अटैचमेंट है टारगेट साइट से कराएगा। टारगेट साइट से जब एक बार बाइंडिंग हो जाएगी, जब उसका एक्शन शुरू होगा, वहां से फार्माकोफोर अलग हो गया। ये कॉन्सेप्ट है फार्माकोफोर का, कि फार्माकोफोर में हमें सिंपली कुछ केमिकल कंपाउंड्स का यूज करना है, वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिगेंड की बाइंडिंग करवाने को सुनिश्चित करते हैं, अश्योर करते हैं कि हमारा लिगेंड टारगेट साइट जाकर बाइंड कर ले, और जैसी बाइंडिंग हुई फार्माकोफोर का काम खत्म।
तो ये जो फार्माकोफोर है ये हमारे लिए नए ड्रग्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही असरदार है, मतलब हमारे लिए बहुत कारगर है। इस तकनीक के द्वारा हम बहुत सारे केमिकल मरीज ऐसे केमिकल कंपाउंड जो बाइंड हो सकते थे, जिनको हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते थे, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ उनकी स्ट्रक्चरल डिससिमिलरिटी होने पाने के कारण हम उनको यूज नहीं कर पाए। तो ऐसे लिगेंड की बाइंडिंग को सुनिश्चित हमारा फार्माकोफोर करता है। हमारा फार्माकोफोर केमिकल कंपाउंड उस ड्रग के साथ बाइंड करता है और उस ड्रग की बाइंडिंग को एश्योर करता है, जिसके बाद बाइंडिंग हो जाने के बाद वो अपना ड्रग, अपना जो भी उसका जो काम है, वो अपने काम को आगे बढ़ाता है। तो हम लोग आगे थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्फा का। सो हम लोग अब आगे इसके चलने वाले हैं। फार्माकोफोर की यदि हम एप्लीकेशन के बारे में भी हम बात करें, तो फार्माकोफोर को जिसका जो एप्लीकेशन है, ये बेसिकली हम 3D QSAR, 3D QSAR टेस्टिंग में भी मॉडल को डेवलप करने के लिए भी यूज कर पाते हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड के एक से ज्यादा एसेंशियल फीचर्स को ड्राइव करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो पूरा जो टॉपिक था, ये मैंने फार्माकोफोर के बारे में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्फा। ये टॉपिक भी आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा, क्योंकि इस टॉपिक का भी हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ड्रग डिजाइनिंग में। इस कॉम्फा का पूरा नाम कंप्यूटर मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस। ये एक प्रकार की 3D QSAR टेक्निक है जो पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज, मीन्स एक प्रकार के जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके डेटा पर आधारित होती है। इस टेक्निक के द्वारा, इस कॉम्फा के द्वारा हम किसी भी विभिन्न केमिकल कंपाउंड्स का 3D स्ट्रक्चर, उनके बीच के बॉन्ड्स, उनकी ज्योमेट्री, उनके सारे एसेंशियल फीचर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है हम वो डराइव कर सकते हैं। और इस पूरी इंफॉर्मेशन, मीन्स किसी भी केमिकल कंपाउंड से संबंधित सारी प्रॉपर्टीज को डराइव करके हम उनके बीच एक कोरिलेशन निकालते हैं, उनके बीच आपस में रिलेशन क्या है। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा केमिकल कंपाउंड है हम उसको बेस्ट से बेस्ट मॉडिफाई कर सकें और उस ड्रग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। ये कॉम्फा का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस टेक्निक के भी जो एप्लीकेशंस है, कि इस टेक्निक को बहुत सारे अनटेस्टेड केमिकल कंपाउंड्स के बारे में उसकी जो भी एसेंशियल फीचर्स है हम उसको डिराइव कर सकते हैं। हम कोरिलेशन को पता करके हम उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं, उनके बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कई नए अननोन ड्रग्स के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त भी कर सकते हैं और उस कंपाउंड के फीचर्स को कलेक्ट करके हम उनके बीच एक कोरिलेशन बना सकते हैं और ये कोरिलेशन हमें नए नए ड्रग्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये जो मेरा आज का वीडियो था ये फार्माकोफोर और कॉम्फा पर था और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को संबंध में शायद ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उस डाउट को जरूर पूछिए, सजेशन जरूर बताइए। इस COVID-19 के प्रति अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए ही चलाई जा रही है ताकि आप घर बैठे सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।